एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोगों को तो इसका फुल फॉर्म पता ही नहीं होगा कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज सेबी। उसके फंक्शंस क्या है, क्या होता है सेबी, इसकी प्रोसेस क्या है, सिक्योरिटीज की प्रोसेस क्या है, तो वही चीज आज हम देखने वाले हैं इन पार्ट थ्री, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। पार्ट वन एंड पार्ट टू में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, और अब हम देख रहे हैं पार्ट थ्री ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ द टॉपिक इज सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमने आपको पहले ही बताया मैंने कि सेबी क्या है, सेबी क्या करता है, पूरा स्टॉक मार्केट का ये पूरा ऑब्जर्व करता है, ये रूल्स देता है, रेगुलेशन देता है, गाइडलाइंस देता है सारे स्टॉक एक्सचेंज को, देखता है कि सारे इन्वेस्टर्स का जो भी इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो रहा है, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, सारी कंपनीज जो है उसे सेबी की रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, राइट? तो ये सब काम किसके हैं, सेबी के हैं। तो वही चीज हम ये देख रहे हैं, दैट सेबी हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस एज स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन January 30, 1992 अंडर द सेबी एक्ट 92। इट्स हेड ऑफिसेज इन मुंबई, तो मुंबई में इसकी क्या है, हेड ऑफिस है। देन इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है, मैंने अभी चीज ही कही कि वो देखेगा कि इन्वेस्टर्स जो है उनको बराबर डिविडेंड जा रहा है, उनको बराबर इंटरेस्ट जा रहा है, या कोई उन्होंने जो शेयर्स परचेज किए वो वही मिल रहा है, कोई दूसरे कंपनी के शेयर्स तो नहीं जा रहे उनके पास, मतलब कोई भी तरीके से उनको कोई इश्यूज नहीं आने चाहिए, वो देखता है सेबी। टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, वही रेगुलेशन रूल्स बनाने का काम किसका है, सेबी का। एंड टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ये एनकरेज करेगा और सोचेगा सिक्योरिटी मार्केट और अच्छे से डेवलप हो और अच्छे से उसकी ग्रोथ हो, तो उसके लिए जो भी फैसिलिटीज इसे करनी रहती है वो सेबी उसके लिए गाइडलाइंस ग्रोथ करेगा। क्लियर? विल स्टार्ट विद द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट वन टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज, तो रेगुलेट करेगा ये स्टॉक एक्सचेंज को, बताएगा किस हिसाब से वर्क करना है, किस अकॉर्डिंग वर्क करना है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, तो ये रेगुलेट करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ये हमने पहले ही देखा कि इन्वेस्टर्स को कोई भी गलत चीज उनके साथ नहीं हो, वो ये चीज का ध्यान रखेगा। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडियरीज, सारे शेयर ब्रोकर्स, जो भी इंटरमीडियरीज है, जो भी शेयर मार्केट में वर्क करते हैं, उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स का भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा, उनके लिए भी जो भी रेगुलेशन रूल्स है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट ट्रेड्स, जो भी गलत काम हो रहे हैं, जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनको कम करने की कोशिश, जो उनको हटाने की कोशिश कौन करेगा, सेबी करेगा। कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, ब्रोकर्स अगर उसके हिसाब से नहीं चल रहे, सेबी ने जो गाइडलाइंस रूल्स दी उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। टू रेगुलेट द मर्जर एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज, देखो कंपनीज में भी मैंने कहा कि गाइड कौन करता है, सेबी करता है, उनके रूल्स रेगुलेशन कौन बताता है, सेबी बताता है, तो वही मर्जर और टेक ओवर का भी कुछ काम होगा, तो उस केस में रेगुलेशन कौन देगा, सेबी देगा। गाइडलाइंस विथ रेफरेंस टू पब्लिक इश्यूज, जो आप पब्लिक इश्यू करते हो, आईपीओ करता है कंपनी, तो उसके रिलेटेड भी जो भी इश्यूज गाइडलाइंस होगी वो सेबी देगा। सेल्फ रेगुलेशन, जो भी रेगुलेशन होगी खुद को भी बताएगा, और इसके चेकआउट के लिए सारे स्टॉक एक्सचेंज को दिया जाएगा। मेंटेनिंग स्टॉक एक्सचेंज एज एन एफिशिएंट मार्केट, एक एफिशिएंट मार्केट की तरह इसको वर्कआउट करेगा, बहुत अच्छी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज को ये मेंटेन करना चाहता है कि ताकि बहुत अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, सारे स्टॉक एक्सचेंज का क्या होता है, बुक्स का इंस्पेक्शन होता है, जैसे ऑडिट होता है वैसे ही इंस्पेक्शन भी किए जाते हैं कि सब कुछ अच्छे से, अकाउंटेंसी सारी वर्क जो है अच्छे से हो रही है या नहीं। देन गाइडलाइंस दी जाती है, कोई भी इश्यूज होते हैं कोई भी स्टॉक एक्सचेंज को, तो उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस दी जाएगी। देन मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कभी भी आके सरप्राइज चेक हो सकता है कोई भी स्टॉक एक्सचेंज का। टू ऑब्टेन एनुअल एंड पीरियोडिक रिपोर्ट्स, एनुअली या पीरियोडिक, हर 3 महीने बाद हमें रिपोर्ट चाहिए कि क्या क्या काम हुआ है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, तो सारी रिपोर्ट्स भी देनी पड़ेगी। एंड रिसर्च वर्क, कुछ भी रिसर्च, कुछ भी न्यू अगर लगेगा स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक एक्सचेंज में, तो उस केस के अंदर से भी कुछ रिसर्च वर्क भी करेगा। तो ये सारे क्या थे, ये सारे हमने फंक्शंस देखे जो कि कौन करता है, सेबी करता है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट क्या है, जब हम बोलते हैं कि हमें अगर शेयर्स है
परचेज सेल करने, तो उस केस में क्या होता है, हमें डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। जब पहले के केस में क्या होता था, पहले ऐसी सिचुएशन थी कि शेयर्स जो रहते थे वो हम फिजिकल फॉर्म में मिला करते थे। जो अगर मुझे शेयर्स परचेज करने कोई कंपनी के, तो उस केस के अंदर क्या होता था, मुझे फिजिकल एक सर्टिफिकेट मिलता था शेयर्स का। बट उसके बाद क्या हुआ कि शेयर्स डिस्ट्रॉय, जो सर्टिफिकेट थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, कभी वो गुम जाते थे, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आने लगे। तो उस केस के अंदर फिर वो कॉपी हमें नहीं मिल पाती थी सर्टिफिकेट्स की। तो उसके बाद हमारा ये आया डीमेट अकाउंट का फॉर्मूला आया, जिससे हम बोलते हैं कि अब जो शेयर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाए, जिसमें कि कोई इश्यूज आएगा ही नहीं, उसमें होगा ही नहीं कि कभी हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। पहले लोग क्या करते थे, सर्टिफिकेट में समोसा बना के खा लिया, भेल बना के खा ली, तो लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था, राइट? शेयर तो मैंने परचेज किया ना, लेकिन मेरे घर के सारे मेंबर्स को नहीं पता कि वो शेयर सर्टिफिकेट है, तो किसी ने भी उसे यूज कर लिया। तो डेट इज कि पहले बहुत इश्यूज आए थे क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में था, बहुत कॉम्प्लिकेशन आए। उसके बाद अब हमारे जो शेयर सर्टिफिकेट्स है वो सबको ही पता कि अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें अराइज होता है। बट उस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो डेट इज डीमटेरियलाइजेशन, मीन्स कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज इंटू इलेक्ट्रॉनिक डेटा थ्रू कंप्यूटर। दिस डीमटेरियलाइजेशन इज नोन एज डीमेट इन शॉर्ट। इसे डीमेट अकाउंट बोलते हैं और फुल फॉर्म हो गया डीमटेरियलाइजेशन। तो अब हमारा जो भी शेयर्स हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसके लिए हमारा ये डीमेट अकाउंट ओपन करवाना मस्ट होता है। इसी में हमारी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इतना हमने परचेज किया, कितना हमने सेल किया, सारी हमारी यहाँ पे क्या आ जाती है, डिटेल्स आ जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना, बैंक में हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या होता है, सारा हमारा जो कैश है फिजिकल फॉर्म में किस में हो गया, वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया कन्वर्ट। जो हमें ट्रांजेक्शन डिटेल्स मिलती है, जिसमें सब लिखा रहता है, इतना हमने परचेज किया, इतना सेल किया, इतना पैसा आया, इतना गया, तो वैसे ही हमारे शेयर्स के साथ हो गया कि शेयर्स को सारा हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। उसके लिए हमारा डीमेट अकाउंट ओपन कर, राइट? नेक्स्ट इज डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी क्या है, जब हम शेयर्स परचेसिंग करते हैं तो हमें डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है। तो डीमेट अकाउंट ओपन कैसे होता है, ये होता है बाय डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी जो है वो ये हमारा डीमेट अकाउंट ओपन करती है। अब मैं डायरेक्टली तो डिपॉजिटरी से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकती, तो उस केस के अंदर जो हमारे शेयर ब्रोकर्स होते हैं वो ये काम करते हैं। हमें तो सिर्फ उन्हें बोलना रहता है कि हमें शेयर्स परचेज करने हैं, तो उस केस में उसे पता है कि डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है, वो डीमेट अकाउंट हमारा ओपन करवाता है। किसके थ्रू? डिपॉजिटरी के थ्रू। तो दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी, इज टू कन्वर्ट फिजिकल सिक्योरिटीज इंटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड टू प्रिजर्व इट इंटू द इलेक्ट्रॉनिक। तो वही चीज है, वो कन्वर्ट करवाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारी सिक्योरिटीज को। इसके लिए वो हमारा एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाएगा। अब हमारे इंडिया में दो तरीके के डिपॉजिटरीज है, दैट इज एनएसडीएल एंड सीएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेकेंड इज सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। दो तरीके की हम बोलेंगे डिपॉजिटरीज, क्लियर है? तो ये फंक्शन होता है डिपॉजिटरी का कि वो क्या करता है, फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है बाय ओपनिंग द डीमेट अकाउंट ऑफ द कस्टमर। उसके पास सारी डिटेल्स होगी हमारी, सारे क्लाइंट्स की सारी डिटेल्स उसके पास, हर एक शेयर की सारी डिटेल्स हमें किसमें मिलेगी, डिपॉजिटरी करेगा किसमें, डीमेट अकाउंट, क्लियर? हम देखेंगे इसमें डिपॉजिटरी सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज डिपॉजिटरी देता है। फर्स्ट वन, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन। व्हाट इज दिस? जब हम डीमटेरियलाइजेशन की बात करते हैं, जो कि हमने अभी देखा कि कैसे फिजिकल से हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं हमारे शेयर सर्टिफिकेट्स को, तो हो गया डीमटेरियलाइजेशन, जो कि डिपॉजिटरी करता है। एंड नेक्स्ट इज रीमटेरियलाइजेशन। रीमटेरियलाइजेशन, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वापस फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट चाहिए, तो उस केस के अंदर वो रीमटेरियलाइजेशन का भी सर्विस हमें प्रोवाइड करेगा, दैट इज डिपॉजिटरी। Then, easy transfer of security at less expense. जब हम बात करते हैं शेयर सर्टिफिकेट्स हमारे पास फिजिकल फॉर्म में है, तो उस केस में फिजिकल फॉर्म में जब रहता था तो हमें ट्रांसफर पे स्टैम्प ड्यूटीज लगती थी और हमें कोरियर चार्जेस लगते थे। अगर हमें कहीं ट्रांसफर करना है तो ये सारे एक्सपेंसेस जो थे वो हमें फिजिकल फॉर्म में लगते थे, जो कि अब क्या हो गए, अब रिड्यूस हो गए। तो अब हमारे एक्सपेंसेस एक तरीके से रिड्यूस हो गए, तो हमें लेस एक्सपेंस में हम इजिली ट्रांसफर कर पा रहे हैं थ्रू द डिपॉजिटरी सर्विसेज। प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस, कुछ भी परचेज किया, कुछ भी सेल किया, तो क्या होता है, प्रॉम्प्टली हो जाता है, इंस्टेंट हो जाता है,
तो हमें कुछ वेट नहीं करना पड़ता कि इतना टाइम इस केस में लगेगा, जो कि हमें अगर फिजिकल फॉर्म में होता तो वो बहुत टाइम लेता कि हमें ट्रांसफर करना है, क्लाइंट आएगा, इन्वेस्टर आएगा, सेल करेगा, परचेज करेगा, तो ये बहुत सारे इश्यूज उसके अंदर आते थे। बट इस केस में ऐसा कुछ इश्यू नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग कस्टमर्स अकाउंट, अब डिपॉजिटरी सर्विस देगा कि उसके पास इतने क्लाइंट्स हैं, इतने कस्टमर्स हैं, फिर भी एक-एक क्लाइंट, एक-एक कस्टमर की उसके पास पूरी रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रहेगी, किस डेट पे कितना परचेस किया, कितना अमाउंट का किया, कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट अर्न हुआ, तो सारी इंफॉर्मेशन हमें उस केस के अंदर कौन देता है, डिपॉजिटरी दे सकता है। देन फैसिलिटी टू मॉर्गेज, अब मॉर्गेज की फैसिलिटी भी हमें कौन देगा, डिपॉजिटरी देगा कि हम मॉर्गेज पे सिक्योरिटीज रख के भी ले सकते हैं कुछ भी अमाउंट अगर हमें लेना है, तो उस केस के अंदर मॉर्गेज सर्विसेज भी हमें दी जाएगी। फैसिलिटी टू फ्रीज और क्लोज अकाउंट, फ्रीज और क्लोज में क्या होगा कि अगर हमें पता है कि हमें कुछ टाइम के लिए अब्रॉड जाना है, या मैं इस केस में मैं मेरे अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पाऊंगी, तो उस केस में अगर मुझे मेरा अकाउंट क्लोज करवाना है तो परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, और फ्रीज करवाना है मैं कुछ टाइम के लिए मुझे इसे फ्रीज कराना है, तो वो इश्यू, वो सर्विसेज भी मुझे कौन देगा, डिपॉजिटरी। देन नेक्स्ट इज रिकॉर्ड एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अब रिकॉर्डिंग तो वो करता ही हमारी सारी इंफॉर्मेशन की, और स्टोर भी करके रखेगा, सारी इंफॉर्मेशन हमारी उसके पास स्टोर रहेगी, कभी भी हम कोई भी इंफो का बारे में उसे पूछेंगे तो हमें वो डिटेल्स बता देगा। लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड क्लियरिंग हाउस, इन्वेस्टर जो हम है, जो कि हम इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर और क्लियरिंग हाउस जो हम बोलते हैं, सारे इंटरमीडिएट जो क्लियर करें हमारे अकाउंट्स को कि हमारे पास परचेज हो गया, सेल हो गया, तो ये सब क्लियर होता है, ट्रांजेक्शन सारे क्लियर होंगे, तो एक तरीके से डिपॉजिटरी क्या है उसके अंदर, इंटरमीडियरी क्रिएट हो गया, ये एक तरीके से लिंक बनाता है हमारे बीच में और क्लियरिंग हाउस के बीच में, क्लियरिंग हाउस जो क्लियर करेगा हमारे ट्रांजेक्शंस को। एंड लास्ट इज सर्विस थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट इसमें चाहिए क्या, उसके बिना हो सकते ये सारे ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकते, तो उसी के लिए हमारे ये सारे सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी सर्विसेज हमने देखी जो कि डिपॉजिटरी हमें देता है। नाउ ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटीज, अब सिक्योरिटी की क्या प्रोसेस होती है, कैसे ट्रेडिंग किया जाएगा, सबसे पहले तो ओपन डीमेट अकाउंट, सबसे पहले डीमेट अकाउंट ओपन होगा जो कि अभी हमने देखा, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। नेक्स्ट इज ऑर्डर टू बाय एंड सेल, अब मैंने डीमेट अकाउंट तो ओपन कर लिया, अब मुझे परचेज करने कुछ शेयर्स, मुझे सेल करने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ब्रोकर को ये इन्फो देनी पड़ेगी कि मुझे परचेज करने हैं या शेयर सेल करने, तो उस केस में दो टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, दैट इज लिमिटेड एंड नेक्स्ट इज मार्केट ऑर्डर। लिमिटेड ऑर्डर मीन्स मैंने मेरे ब्रोकर को बोल दिया मुझे तो 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखना कि 5 लाख के अप्रोक्स में ही मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ब्रोकर क्या देखेगा कि हाँ मुझे 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ करना चाहिए, या मैंने कह दिया मुझे एक शेयर है वो मुझे अप्रोक्सीमेटली 500 का एक शेयर है, उसे ज्यादा का मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो देखेगा कौन सी कंपनी का शेयर जो है वो इस रेट पे अभी प्रिवेल कर रहा है, तो इस अकॉर्डिंग वो देखेगा। और मार्केट ऑर्डर क्या होता है, जो मार्केट पे चल रही है रेट्स, उस केस में वो मैं परचेस कर लूंगी, ठीक है, मैंने कह दिया मुझे रिलायंस के शेयर्स परचेस करने, तो मैं ये नहीं देखूंगी अभी उसमें क्या रेट चल रही है, जो भी रेट चलेगी मैं उसमें परचेस कर लूंगी, दैट इज मार्केट ऑर्डर। तो ये दो तरीके के ऑर्डर होते हैं जो कि हमें बताना पड़ता है हमारे ब्रोकर को कि हमें इस तरीके का ऑर्डर चाहिए, हमें इस तरीके के शेयर परचेस कर। देन इज एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, आपने अपनी बात बता दी ब्रोकर को, ब्रोकर उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा, वो देखेगा कि कहाँ पे ऐसा मुझे इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, ऐसे कौन से शेयर है जो प्रिवेल कर रहे हैं इस रेट के अंदर, तो वो मैच करेगा स्टॉक मार्केट के अंदर, ये सब चीजें वो देखेगा कि कौन से शेयर हमें परचेस कर सकते हैं, वो मैच करेगा, उसको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा कि ये सारे शेयर्स हैं जो कि इस रेट पे प्रिवेल कर रहे हैं, क्या हम रेडी हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट नोट हमें भेज देगा। जब ये चीज हो जाएगी तो उस केस के अंदर वो क्या करेगा, वो इस केस के अंदर सेटलमेंट और ट्रांजेक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट उसने भेज दिए हमको, अब इसके अंदर सेटलमेंट किया जाएगा ट्रांजेक्शन का, परचेस है तो परचेस करेगा, सेल है तो सेल करेगा। देन पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी, वही चीज है कि अगर उसे पेमेंट करना है, परचेस है तो पेमेंट करना है, या फिर डिलीवरी करनी है सिक्योरिटी की, अगर हमने परचेस किया है तो उस केस में वो डिलीवर करेगा सिक्योरिटीज को, तो जो भी ट्रांजेक्शन है परचेस का है या सेल का है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वो हमारे साथ डील कर देगा। एंड देन लास्ट वन इज इन्फॉर्म टू कस्टमर ऑफ सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन,
और लास्ट में उसे बताया जाएगा अपने क्लाइंट को कस्टमर को कि आपका सारा ट्रांजेक्शन सेटल डाउन हो चुका है। तो दैट इज व्हाट द प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटीज। ये हमने पूरी प्रोसेस देख ली कि कैसे सिक्योरिटीज को परचेज सेल किया जाता है थ्रू ब्रोकर। क्लियर? हमने कुछ सेबी के गाइडलाइंस देखी, हमने सेबी के कुछ फंक्शंस देखे। तो ये हमारा चैप्टर जो है फाइनेंशियल मार्केट वो कंप्लीट होता है विद थ्री पार्ट्स। हमने पार्ट वन देखा, दैट इज रिलेटेड टू मनी मार्केट। हमने पार्ट टू देखा, दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट। एंड हमने ये पार्ट देखा, दैट इज रिलेटेड टू सेबी, डीमैट एंड डीमटेरियलाइजेशन। हमने ये कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखे। तो मेरे हिसाब से सबको होपफुली सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो बाय।